इंद्री के एक कार्यक्रम में स्पेशल पब्लिसिटी चेयरमैन रॉकी मित्तल ने कहा कि युवाओं के बिना किसी भी लक्ष्य को पार नहीं किया जा सकता। युवा एक शक्ति है, आज देश को युवाओं की जरूरत है और प्रदेश में आने वाले समय में हमारा लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को अपने साथ जोड़ना है। रॉकी मित्तल करनाल के इंद्री के रेस्ट हाउस में आओ चले मनोहर संघ अभियान के तहत की गई मीटिंग में विभिन्न गांवों के साथ आए युवाओं के साथ वार्तालाप कर रहे थे। इस मौके पर गांव उड़ाना के युवा सरपंच सुरेंद्र उड़ाना ने उनका बुके देकर स्वागत किया। चेयरमैन रॉकी मित्तल ने इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथ जोड़ने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसको लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। मित्तल ने कहा कि जब से मनोहर लाल सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है। पहले सरकारी नौकरियों में तबादलों के लिए पर्ची सिस्टम चलाया जाता था और अफसर लोग मंत्रियों व दलालों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन हमारी सरकार ने ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को चालू कर इसमें चल रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है। वहीं जहां पहले नौकरियां पैसे देकर मिलती थी, जो कि अब मेरिट के आधार पर मिलने लग गई हैं। भाई भतीजावाद व क्षेत्रवाद को खत्म कर दिया गया है। सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाया गया है, जिससे हर वर्ग का विकास हो रहा है। मित्तल ने कहा कि इस अभियान को शुरू करने के लिए एक मकसद विपक्षी लोगों को जवाब देने का भी है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों व गरीब वर्गों के लिए अनेकों योजनाओं को बनाया गया है, जिनका पता उन लोगों को नहीं हो पाता है। ऐसे में युवाओं को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वो उन नीतियों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कई काम नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और स्थिति काबू में है। विषय था आओ चले मनोहर संघ, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे हरियाणा के अंदर इतना एक्टिव किया जाए हमारे युवाओं को, कि कोई भी हमारी खबर आती है या सीएम साहब की कोई स्पीच आती है या विधानसभा में कोई बहस आती है तो वन टाइम ही करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को हरियाणा के अंदर इससे जोड़ना है, ताकि एकदम कोई भी चीज़ आती है उसको पता लगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर आई है या प्रिंट मीडिया में खबर आई है उसका भी प्रमोशन किया जा सके एक अच्छे से। क्योंकि कई जैसे बाहर के देशों के अंदर होता है सोशल मीडिया बहुत हैवी है, आप मोदी जी का देखते हो सेंटर का एकदम, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। हमारी टीम भी ऐसे ही हरियाणा के अंदर काम करेगी, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कई बार विपक्षी लोग हमारी कोई योजना को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, उनको अच्छे से जवाब दिया जा सके और लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। कोई नेगेटिव लोग हैं तो उनको पॉजिटिव कैसे बनाना है, उनको योजनाएँ कैसे समझानी है, इन चीज़ों के लिए ही मैं यहाँ पे आया था, ताकि युवाओं को साथ जोड़कर एक टीम बनाई जा सके, ताकि पूरे हरियाणा में कोई एक कोई लड़का आता है, कोई युवा आता है, वो आगे दसों को बनाएगा, दसों के आगे एक चयन बनानी है, तो जितने गांव स्तर तक भी पहुँचे। खाका तैयार एकदम सोशल मीडिया के अंदर ये है कि जैसे हमने अपनी चीज़ें दिखानी है, जैसे हमने एक चीज़ दिखाई बदली के ऊपर भी, पहले बदलियों के अंदर दलाल चुंगल में फंसा लेते थे, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, अब कोई ख़राब हो जाती थी, अब ऑनलाइन बदली है, अब कोई भी अध्यापक चंडीगढ़ नहीं जाता बदलियों को लेकर, खासकर ना नेताओं के चक्कर काटने पड़ते, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ हो गई, महिला थाना खुल गए, भवंतर भरपाई योजना, ऐसी बहुत योजनाएं हैं जिनका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो पिछली सरकारों में नहीं थी, हमारी सरकार ने चालू की है। तो कई बार हम किसानों की योजना लेके आते हैं, वो किसान कई कहते हैं मुझे नहीं पता लगा, कई किसान खेत में रहते हैं बेचारे 10-10 दिन तक नहीं आते, लेकिन आज हर किसान का बेटा, हर गरीब का बेटा आज सोशल मीडिया ज़रूर चलाता है, कम से कम उसको सोशल मीडिया पे जानकारी होनी चाहिए। अब गांव स्तर तक भी अपने ग्रुप बनाएंगे, कोई मान लो किसानों की बहुत योजनाएं आती हैं, गरीबों की बहुत योजनाएं आती हैं, कई लोग उससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी कि उसको घर घर तक लेके जाएं, ताकि कोई दिक्कत ना आए। पिछली सरकारों का तो काम ये है, उनको तो वो नोट याद आते हैं, बदलियों के, भर्तियों के, घोटालों के, CLU के, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, जिनका काम बोलना है वो तो बोलेंगी, और विपक्ष वाले हमारी तारीफ तो करने से रहे, उन्हें तो उल्टा ही बोलना है, लेकिन जनता सब जानती है और जनता हर बार मुंह तोड़ जवाब भी देती है। परंतु हम जीतेंगे, आसानी से जीतेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, विकास के आधार पे, काम के आधार पे। मान लो कांग्रेस का रहा या किसी पार्टी का रहा, वृद्धों के लोगों के जाके तो पूछो कि कितनी समस्याएं हैं, अंबार लगे हुए हैं, कोई कांग्रेस वाला कहता है कि यहाँ पे तरक्की नहीं हुई, अरे सारी जिंदगी तो तुम रहे हो, अब तुम नए नए आए, अरे आपका ही विधायक था,
उससे पूछो ना कि उसने क्या किया। बीजेपी का कैंडिडेट होगा कि जेजेपी का? बीजेपी का, ये पहले क्लियर नहीं, नहीं सब कुछ क्लियर हो चुका है, बीजेपी का कैंडिडेट होगा। खुद दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि हम भाई उनका पूरा जी जान से उनका साथ देंगे बीजेपी के कैंडिडेट का। जब वो ये कह चुके हैं तो इसका मतलब तो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। नशे की जो बात आती है, कल परसों एक वो बनाई है और अलग से विभाग बनाया जा रहा है नशे का, पूरे हरियाणा के अंदर नशा बिल्कुल जड़ मूड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और वो जल्दी आपके आगे आएगा। और कल परसों से इसकी योजना तो बन चुकी है, पेपर में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा को हम नशा मुक्त कर देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.